एस्मा लगने के बावजूद मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है और प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति भी बन सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बिजली कर्मी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान बिजली कर्मचारी कोई भी काम नहीं करेंगे। जबलपुर के बिजली मुख्यालय शक्ति भवन में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। लामबंद हुए हैं अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के, जिसमें हमने सरकार को विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगे रखी थी। 3 माह पूर्व हमने अपनी मांग रखी थी, जिस पर हमारी सरकार से वार्ता हुई थी। वार्ता में हमें लिखित आश्वासन देने के बाद भी अपनी हठधर्मता पूर्वक उन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण हमें आज यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ा है। सरकार के अपने तरीके हैं। हम तो अपने शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, असहयोग दे रहे हैं। यदि इसमें विद्युत व्यवस्था कहीं उत्पन्न होती है, कानून व्यवस्था उत्पन्न होती है, तो वो सरकार की समस्त जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं भोपाल में भी बिजली कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। बिजली विभाग के पेंशनर्स भी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। उधर सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है, बावजूद इसके बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, यह हड़ताल जारी रहेगी। नहीं, ऐसा लगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि पहले हम लोग इतने दिन से आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो उनको पहले हमसे बात करके उसका सोल्यूशन देना। ऐसा लगाना, डराने से क्या होता है? ऐसा तो लगते रहते हैं, और हम ऐसा के बावजूद भी हम लोग हड़ताल चलेगी सर। कंटिन्यू हड़ताल है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सोचना सरकार का काम है ये कि ब्लैकआउट की स्थिति क्यों बनी है, ये आप लोग भी समझो। हम जनवरी 9 महीने हो गए, जनवरी से हम प्रयास कर रहे हैं, सभी से बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी ने आज तक बात नहीं की। पेंशन, वेतन विसंगति, दुर्घटना और जोखिम भत्ता जैसी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बीते दिनों भी हड़ताल की थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, जिसके बाद कर्मचारियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। हालांकि सरकार ने एस्मा लगा दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि जरूरी सेवाएं हैं, अगर हड़ताल बंद नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से दुर्गेश और भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।